हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये टॉवल जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा और टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये वाकई में वर्क करता भी है या नहीं। तो गाइज, यहाँ पे ये इस तरह से आता है। और गाइज, जहाँ से मैंने ये बाय किया है तो वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज, ये कुछ इस तरह से आता है। आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्टफ फील जाता है इसमें। इतनी ज्यादा सॉफ्ट ये टॉवल है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो मैंने सोचा, मैंने मंगाया तो आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है गाइज। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ जो है इतनी ज्यादा लेंथ है, इस तरह से ये इतनी लेंथ में आता है। और मैं लेंथ इसकी जो जितनी भी होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कितनी इसकी लेंथ है सारी डिटेल्स मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। तो गाइज, ये इस तरह से टॉवल आता है और इसको लेंथ अपने हेयर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ थी गाइज ये मेरे हेयर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रही थी। देख सकते हैं आप, मेरे जो लेंथ है इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है, बस इतना मेरा जो है इतनी लेंथ है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये कितना वर्क करता है या नहीं करता है, तो इसके बारे में आपको आज मैं बताने वाली हूँ। तो गाइज, ये टॉवल है, तो चलिए इसको मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ कि हम इसको यूज किस तरह से करते हैं। क्या टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या ये बिल्कुल सेम उसी तरह से वर्क करता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज मैं इसकी सच्चाई बताने वाली हूँ कि ये कितना वर्क करता है और ये कितना ज्यादा आपके लिए कैरी टू यूज है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब चीजें मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसकी आप वीडियो देख लें कि मैंने इसको किस तरह से यूज किया है। तो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश किया है। तो वॉश करने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि किस तरह से इस टॉवल को यूज़ किया जाता है। तो मेरे जो हेयर हैं, हेयर से मेरे पानी टपक रहा है, तो उस टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया है। तो जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये इसकी लेंथ आती है और आपको एक साइड इलास्टिक मिल जाती है जो कि इस बटन में आके टक हो जाती है। तो यहाँ पर एक ऊपर की साइड बटन होता है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपने हेयर को नीचे कर लिया है टोटल। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपने हेयर्स को कवर कर लूँगी इस टॉवल से, और इस तरह से एक रोल बना के जिस तरह हम टॉवल से करते हैं, तो इस तरह से मैं अपने हेयर को बिल्कुल अंदर कर दूँगी और इलास्टिक को मैं थोड़ा सा बाहर के साइड इस तरह से खींचूँगी। और उसके बाद मैं इसको ऐसे घुमाते हुए पीछे की साइड ले जाऊँगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको बटन से टक कर लेना है, और बटन से हम जब इसको बांध देते हैं तो उसके बाद ये मेरे हेयर्स जो हैं बिल्कुल एकदम सेट हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छा कैरी मेरे हेयर इसने कर लिए हैं और बिल्कुल कवर हो गए हैं मेरे हेयर। और आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे इस तरह से इसको आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे कवर करने के बाद मैं इसको 10 to 15 मिनट्स मैं इसको लगा कर रखूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 to 15 मिनट रखा है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लिया था और अपना थोड़ा सा बिल्कुल मेकअप यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी नेक को बहुत अच्छे से हिलाकर दिखाया आपको, बिल्कुल भी ये नहीं गिरता है। टॉवल हमारा इतनी देर में गिर भी जाता है, नीचे उतर जाता है। तो ये है गाइस, यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स के बाद इसको जब ओपन किया तो इसने काफ़ी हद तक मेरे हेयर्स जो हैं बहुत ही अच्छे से सुखा दिए थे, ड्राई कर दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम किया था, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से पास से दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसने मेरे हेयर्स को बिल्कुल सोक कर लिया है, बिल्कुल ड्राई कर दिया है। और गाइस, यहाँ पे कुछ हद तक मेरे हेयर ड्राई हुए हैं और कुछ हद तक नहीं हुए हैं। बहुत मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि इससे आपके जो हेयर हैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, नीचे से तो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, मैंने फील करके भी देख रही हूँ बिल्कुल ड्राई हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड से थोड़ा वेट हैं। गाइस, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये मैंने अपने हेयर के ऊपर ट्राई कर किया है कि इसने कितना वर्क किया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बार कॉम्ब किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसने मेरे बालों को कितना ड्राई किया है, कुछ हद तक ड्राई किया है और कुछ हद तक नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एकदम आपके हेयर्स को जो है ये स्ट्रेट कर देता है,
जिस तरह से आपके हेयर रहते हैं ये उसी तरह से वर्क करता है। बट क्या है, ये सिर्फ ड्राई करने के लिए है, आप अपने हेयर्स को इससे ड्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, आप इसको कैरी करने के बाद, आप इसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट सा मेकअप किया था मैंने, इसको कैरी कर लिया था और उसके बाद में मैंने ये बहुत ही लाइट सा काजल लगाया, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई और बस लिपस्टिक लगाई थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैंने ये जो है कैरी करने के बाद मैंने इससे कुछ भी, आप वर्क अगर कुछ भी करना चाहते हैं काम, तो आप बहुत इजी तरीके से इससे कोई भी वर्क भी कर सकते हैं। आप इसको कैरी करके अगर नहा कर आए हैं और आपको स्किन केयर, अपना सबसे मेन चीज ये है, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप नहाने के बाद अपना स्किन केयर कुछ यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपने बालों को ऊपर की साइड इस टॉवल से टक करके अपने बालों को ऊपर की साइड आप इसको टक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं। आपके बिल्कुल भी हेयर जो होंगे बिल्कुल भी आगे नहीं आएंगे और एकदम बन जाएंगे। और जो आप नॉर्मल टॉवल जो यूज करते हैं गाइस, तो उससे क्या होता है, हम इस तरह से ऊपर करके बांधते हैं तो वो बार बार नीचे गिरता रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट उससे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है क्योंकि आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और ये आप देख सकते हैं इसकी इतनी ज्यादा लेंथ है, तो मैं इसकी लेंथ जो है मुझे ये नहीं मालूम है गाइस, तो कि ये लेंथ के अकॉर्डिंग मिलता भी है या नहीं या इतनी ही लेंथ में मिलता है, तो मैं इसकी लेंथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट करिएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप अपने लेंथ के, हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको मंगा सकते हैं। बट ये मेरे लेंथ के लिए, मेरे हेयर्स के लेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहा, बिल्कुल परफेक्ट रहा कि एंड तक मेरा ये एरिया एंड तक आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर ना एक इलास्टिक दी हुई होती है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये इलास्टिक दी हुई है और यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से आप इसको इस तरह से इलास्टिक लगा के आप इसको अपने हेयर को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है और ये आप देख सकते हैं कितने हद तक मेरे हेयर सूखे हैं। मैंने सिर्फ इसको 10 to 15 मिनट यूज किया था, इससे ज्यादा मैंने इसको यूज नहीं किया, उसके बाद मैंने इसको हटा लिया 10 to 15 मिनट के बाद और इतने बाल मेरे सूख गए थे। और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जो नॉर्मली टॉवल की तरह होता है उस तरह से नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और इससे मेरे हेयर बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मैं लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। बट ये बहुत अच्छा है, वर्क करता है, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता। बट मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, जो इंस्टाग्राम पर ये वीडियो दिखाई जा रही थी कि इसको आप लगाते हैं, इसको आप कैरी करते हैं तो उसके बाद जब आप ये खोलते हैं तो आपके बाल जो है, आपके हेयर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके हेयर्स ड्राई करने के लिए है और कुछ नहीं है। तो गाइज अच्छा लगा है मुझे ये, बहुत बहुत इजी टू कैरी है। और आपको ये टॉवल अच्छा लगा है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।